चलो बाबू ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। हाँ बाबू लगा दिए बाबू, एक क्वेश्चन इस पे और थोड़ा कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ऑर्डर चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो आपको हमने कैसे बताया, पहले एकदम सिंपल से बताया बाबू, सभी का कोफिशियंट वन रख के बताया, फिर आपको कोफिशियंट चेंज किया, आफ्टर देन बाबू हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे। तो एक क्वेश्चन इस पे और बनाते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ऑर्डर चेंज करेंगे है ना, तब हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऑर्डर चेंज करने वाला बाबू थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, मल्टीप्लिकेशन है, सोचना नहीं पड़ता उसमें, मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं ज्यादा। नेक्स्ट बाबू फिफ्थ, कितना फोर्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर जल्दी से कीजिए, जल्दी कीजिए, इस बार कौन टॉप करते हैं देखते हैं, कौन जल्दी करते हैं, हु इज द विनर बाबू, टू बाबू, थ्री बाबू और यहाँ टू, थ्री बाबू यहाँ, टू बाबू यहाँ, ऑर्डर तो भी सेम रखेंगे ना, ये थ्री है, ये यहाँ थ्री है और यहाँ बाबू फोर कर देते हैं, बाबू फोर बाबू, ये थ्री बाबू टू, फाइव बाबू, थ्री बाबू वन, जल्दी से कीजिए। तो कौन हमारे बिनर हैं, डिसेंडिंग में सर, असेंडिंग में अरेंज कीजिए ना, असेंडिंग में अरेंज कीजिए, ऋषभ क्या कर रहे हो बाबू, पढ़ रहे हो ऋषभ, ये तो ऋषभ बाबू क्या कर रहे हो, सोए हुए हो, नींद आ रहा ऋषभ, नो सर, तो जल्दी से कीजिए, तो इसको जल्दी से कीजिए, तो आ रहे हैं इस बार, इस बार तो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके गार्जियन पूरे तबाह हैं, हम भी तबाह हैं। हु इज द विनर, देखते हैं, प्रकाश सिंह, प्रकाश आनंद है ना, शिवांगी, शिवानी, ऋषिवम, ऋषभ, नंदनी, रिस्का, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, रिस्का बाबू चलिए आ गई, चल बन गया, सौम्या, सौम्या की शिवानी, शिवांगी बोली, सर मेरा भी बन गया, सर मेरा भी बन गया, अच्छा ये बताइए, अच्छा तो सबसे पहले मैंने ये मैंने बॉयज पीछे रह गया सभी का सभी, कहा है आनंद प्रकाश और कहा है प्रकाश सिंह, सर जो पहले बना है उसका चेक तो कीजिए, अच्छा ठीक है, हाँ यही बात है, चलिए ठीक है, हाँ शिवांगी, स्वामी बाबू, देखते हैं, देखिए शिवांगी, देखिए बाबू इसका सभी मिलकर देखे, तो ये सेकंड टाइम में जूम क्यों, लैपटॉप में देखना पड़ेगा, मोबाइल में देखना पड़ेगा, ये तो जूम ही नहीं होता सेकंड टाइम, दिखाओ ना सर, देखिए वो ही नहीं रहा, देखो देखो तो शिवम बाबू सही है कि नहीं है, देखिए आप, आप ही लोग चेक करके बताइए, सर 12 तो हो ही नहीं रहा है, 12 देखिए ना इतना क्लियर तो दिख रहा है ना सर, 16 का, हाँ सही है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 432 वाला, चलिए ठीक है देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना बाबू, मिलाइएगा, चलिए अच्छी बात है सर, सही है, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए संग बाबू, दिखाइए आप भी, सर सर पहले मैं इस दीवान के बाद हम पहले दिखाए थे ना, अरे बाबू आप, अच्छा ठीक है देखिए ना सौम्या का, ठीक बनाइए कि नहीं बनाइए, चलिए बाबू ठीक है दिखा रहे हैं, चलिए इसका भी सही है, ठीक है अब हम लोग यहाँ से आप लोग मैच कर लीजिए है ना, ये जूम नहीं हो पाता था, चली गई, जाएगी कहाँ वो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, देखो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे लड़का सब, ये आनंद प्रकाश और ये सब शिवम बाबू आप लोग क्यों पीछे रह गए, देखो वो क्या करेंगे, इसको टू के अंदर लेके जाएं बाबू, हाँ सतीश बाबू के क्यों पीछे पीछे रह गए बाबू, हम बना लिए थे सर, तब बोलने में भार पड़ा था, क्यों इसको थ्री को अंदर, इसको थ्री को अंदर कर बाबू, तो थ्री का क्यूब इंटू कितना, फोर, इसको बाबू फोर को रेक्टल साइन के अंदर लेके जाओ, तो फोर का क्यूब बाबू इंटू टू, और ये बाबू क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाओ, तो फाइव का क्यूब इंटू वन, आइए ऑर्डर थ्री है ना,
आप लोग अपने स्कूल में लेके जाइए कॉपी, कहीं आपके स्कूल में इस तरह से जितना सीक्वेंस ऑर्डर से पढ़ा रहे हैं बाबू ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है कहीं भी। अभी मेरा ये सर्च अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत पढ़ना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो बाबू थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई तो कीजिए। सर टू का क्यूब कितना हो जाएगा? सर हम लोग से पूछ सर, 8 into 2 16, ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन बताएगी? अन्यथा इसका बताओ, अन्यथा बाबू हमारे कछुआ इसका बताओ, बोल दिया। सर मैं बताऊं, 108 बाबू थोड़ा तेज बनिए ठीक है ना, नहीं तो ये सब ऐसा स्टूडेंट है ना, आप ऐसे देखते रह जाइएगा ये सब बोल के निकल जाएगा ठीक है ना। थोड़ा तेज बनिए एकदम फ्रैंक, कैसे सौम्या है शिवांगी है फट से नहीं बोल देती है। 108 बाबू आइए। नंदिनी भाग गई क्या? नंदिनी बाबू मैं है कि है भाई क्या? अब इसका अन्यथा को बोलने दो ना, अन्यथा को बोलने दो ना बाबू इसका। अच्छा बोलने दो ना अन्यथा को। 128 शिवांगी क्यों ऐसा कर रहे हो बाबू बेचारी को क्यों? सर मैं कहां बोल रही हूं? सर हम ही बोले हैं। आप ही बोले? वाह चलिए इसका कौन बोलेगा? प्रकाश जी इसका बताए बाबू। नहीं नहीं प्रकाश 128 इसका लास्ट वाला बाबू। यस सर 125। हाँ तो फिर बाबू हम लोग यहाँ क्लास शुरू करने से पहले ना इधर कॉर्नर में लिख लेंगे सीक्वेंस और उसी को फॉलो करेंगे ना। सबसे पहले जिसका जैसे शिवांगी अन्यथा ये सब का नाम लिख लेंगे उसी से अनुसार पूछेंगे। तो आप लोग झगड़ते हो मेरा टर्न कब आएगा मेरा टर्न कब आएगा, और इस तरह से आप लोग पहले बोलते हो तो किसी का टर्न भी ना आता है। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप बताओ शिवम बाबू असेंडिंग ऑर्डर में बताओ बताओ जल्दी से बोलिए शिवम। सर पहले आएगा टू टू मतलब ये टू क्यूबिक रूट ऑफ टू क्यूबिक रूट ऑफ टू। हाँ आफ्टर देन बाबू उसके बाद आएगा थ्री क्यूबिक रूट ऑफ फोर। थ्री क्यूबिक रूट ऑफ फोर उसके बाद आएगा फाइव क्यूबिक रूट ऑफ वन। फाइव क्यूबिक रूट ऑफ वन आफ्टर देन बाबू फोर क्यूबिक रूट ऑफ टू। ठीक है तो ये सब समझ में आ गया। अब बाबू हम एक क्वेश्चन करवाते हैं ऑर्डर। अभी ये क्या बाबू सभी में आपने क्या सिर्फ कोफिशियंट क्या है कोफिशियंट क्या है बाबू कोफिशियंट अलग है। अब हम एक क्वेश्चन करवाते हैं। सही तो था। हाँ बाबू जिसका जिसका मिला लीजिए, जो नहीं बनाए बाबू अपना मिला लीजिए ना। गलत है बाबू ये आप करेक्शन कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए सही है तो। सर पहले 432 कैसे आएगा? नहीं नहीं सर सही है सही है 128 है ना बाबू तो लास्ट में ही जाएगा ना। यस सर सही है। चलिए अब बाबू हम लोग ऑर्डर डिफर करते हैं उसके बाद अरेंज करेंगे है ना। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा बाबू जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना इसको ध्यान रखना, बाद में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ना तो नहीं बन पाएगा। अभी तो आप लोग एकदम कितना फटाफट बता देते हो ना, बाद में 10 दिन 1 महीने के बाद नहीं बन पाएगा, नहीं ध्यान रहेगा नहीं बन पाएगा, तो रिविजन जरूरी है बाबू। अब ऑर्डर चेंज करता है ना, ऑर्डर चेंज करता है। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन करा बाबू सभी का ऑर्डर क्या है सेम है। नेक्स्ट बाबू ऑर्डर चेंज करते हैं ना, छठा नंबर 6 नंबर बाबू। चलिए ऑर्डर चेंज करते हैं मतलब क्या सर, ये 2 है बाबू यहाँ पे 2 मत लो, यहाँ पे 8 ले लो और यहाँ पे बाबू 3 ले लो और यहाँ पे 3 ले लो ठीक है, और यहाँ पे बाबू 4 ले लो और यहाँ पे आप 2 ले लो। अब इसमें क्या है बाबू स्टार्ट से आपको अरेंज असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए ठीक है ना, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए है ना। इसमें आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे बाबू तो इसी को उलट देना, हम नहीं यहाँ पे लिखे ना, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखोगे तो इसी को उलट देना है ना। ठीक है सर तो देखो यहाँ पे आप शांति से देखिए ठीक है ना, एक क्वेश्चन शांति से देखिए है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। कहाँ देख रहे हो प्रकाश बाबू? अभिनय प्रकाश, अभिनय प्रकाश बाबू ये कहाँ देख रहा? चलिए ठीक है मैं वीडियो इसका रुका हुआ था, पाउज हो गया।
म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए, जिसका म्यूट कर लीजिए बाबू, आवाज आ रहा है। चलिए ठीक है बाबू, देखिए क्या है यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ ऑर्डर क्या, यहाँ ऑर्डर नहीं पूछे बाबू, तो बाय डिफॉल्ट टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे है? तो इसके ऊपर बाबू पहले आप लोग क्या करोगे, देखो सभी का कोफिशियंट क्या वन है, कोफिशियंट वन है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर टैकल करना है बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर सेम बनाना पड़ेगा। ऑर्डर सेम बनाने के लिए बाबू आपको हमने कल बताया था, हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ बाबू किसका, टू थ्री फोर का, तो टू थ्री फोर का एलसीएम कितना आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, सिक्स है ना, ठीक है ना बाबू, टू थ्री फोर का एलसीएम ट्वेल्व आ जाएगा ना। अब ऑर्डर सेम कीजिए, तो इसमें बाबू इस सर्च में, इस सर्च में बाबू मेरे, इस सर्च में ये ए और यहाँ टू है, तो हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू में बाबू, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा ट्वेल्व आ जाएगा, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब जितना से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, उतना रेज टू दी पावर आपको यहाँ राइज करना पड़ेगा, है ना, उतना पावर राइज करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, सर्च का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, अदरवाइज बाबू सर्च का वैल्यू चेंज कर जाएगा ना। तो सिक्स से यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिक्स रेज टू दी पावर यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड वाले सर्च में आते हैं, एकदम शांति से सुखिए पढ़िए, है ना। ये बाबू कितना है, थ्री है, हाँ सर यहाँ थ्री है। अब थ्री में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, किस ट्वेल्व वाले, तो सर मारेंगे इधर मर ना, तो थ्री में बाबू कितना, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, है ना। तू कहाँ से आएगा शिवांगी, बोलो करते हो, बोलो तू। तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई के बाबू, उतना रेज टू दी पावर करना है, है ना, ठीक है सर। इस सर्च में आए बाबू, इस सर्च में आइए, इस सर्च में आइए बाबू मेरे, इस सर्च में आइए, ठीक है। रिस्का बताइए आप मेरे बाबू, रिस्का बाबू फोर में किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि ट्वेल्व आ जाएगा, रिस्का सर थ्री, थ्री तो सर्च के इन साइड क्या करेंगे बताइए, टू रेज टू पावर कितना लिखेंगे, सर पावर थ्री, हाँ चलिए ठीक है। अब बाबू अब देखिए, अब इसको अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, देखिए एक लाइन और लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा और एट रेज टू दी पावर सिक्स हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा और थ्री रेज टू दी पावर फोर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू, ट्वेल्व हो जाएगा और टू रेज टू दी पावर थ्री एट हो जाएगा। अब यहाँ से बाबू देखिए, आपको आपके पास अगर थोड़ा सा माइंड है ना, तो अब यूज कीजिए, हर एक चीज को मैंने कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होता, बात समझिए ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में बाबू टाइम भी कम रहता है ना, है ना, तो आपको थोड़ा यूज करना पड़े माइंड। अब यहाँ से बाबू अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा तो देखो, सबसे छोटा को थ्री के पावर फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री थ्री नाइन और नाइन नाइन एट्टी वन आ जाएगा, और एट के पावर सिक्स करें बाबू तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों सर, क्योंकि बाबू ये हमको दिख ही रहा है कि मेरा सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि तीनों का ऑर्डर अब सेम हो चुका है। अच्छा बाबू सुनिए 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 ना, देखिए बाबू क्या, ऑर्डर तो सेम हो चुका है ना, ऑर्डर कोफिशिएंट सेम हो चुका है, अब इसमें हमारा सबसे बड़ा कौन होगा बाबू, सबसे बड़ा कौन होगा चाहे सबसे छोटा कौन होगा, तो इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, एट को सिक्स टाइम मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करने बैठो बाबू आपका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम पास हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको देखने से नहीं लग रहा है कि सबसे छोटा है उसके बाद ये है ना, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे बाबू, ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो आप लोग लिखिए इसको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे बाबू, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहला स्मॉल वाला कौन सा होगा, ये वाला है, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग मेरा ये है, फोर्थ रूट ऑफ क्या बाबू, फोर्थ रूट ऑफ टू है ना, आफ्टर देन बाबू कौन सा, ये वाली है थ्री थ्री, और आफ्टर देन बाबू लास्ट में आपका ये है एट है, तो राइट डाउन बाबू इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है बाबू, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखिए, देते हैं आप लोग क्यों परेशान होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसी को उलट के लिख लीजिए, टू रूट एट इससे छोटा क्यूबिक रूट ऑफ थ्री बाबू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ टू। चलिए लिखिए जल्दी से सर, इस पे क्वेश्चन बनाने दीजिए ना। अच्छा क्वेश्चन कुछ देर है बाबू, बना के लाना होमवर्क, उसके बाद हमको भी फेयर भी चेक करना है, 7:15 में हमको वो सबको भी पढ़ाना है, उड़िया वाले को,
कुछ होमवर्क दे रहे हैं बाबू? चेक करना। अभी कुछ स्टूडेंट का होमवर्क नहीं ना चेक हुआ बाबू? होमवर्क अभी नहीं ना चेक हुआ है बहुत सारे का, उसको चेक करना पड़ेगा ना, कुछ का हुआ है कुछ का नहीं हुआ। कल तो फिजिक्स है ना? हाँ बाबू कल फिजिक्स है। अब मैथ का जो बुक वाला आप बताए बाबू उसको बनाइए फिर से, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं उसको बनाते चलिए, ठीक है ना? कल संडे को बाबू एक बार फिर से मैथ वाले सारे क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद अब आपका क्या होगा ना, बहुत सारा क्वेश्चन जो छूट गया वो बन जाएगा, है ना? बहुत सारा क्वेश्चन जो छूट गया बाबू वो बन जाएगा। तो हम लोग होमवर्क दे देते बाबू, डी आई पहले क्वेश्चन ऐसा बनाने दे दीजिए ना। बहुत आप लोग हो ना, चले सिक्स नंबर इसी को कंटिन्यू कर देते, डी आई बाई छूट दीजिए, दे दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है ना। चलिए बाबू जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है ना? वन है बाबू, हाँ बाबू सेवन नंबर से ही लिखिएगा, ठीक है ना? कंटिन्यू रहेगा बाबू, सेवन नंबर से ही लिख लीजिएगा। वन है बाबू, ये थ्री है और ये बाबू फोर है और ये बाबू सिक्स है, एकदम बच्चा वाला है। हाँ बाबू टू रूट टू है बाबू, यहाँ थ्री टू है बाबू, फोर टू है और फाइव टू है। कुछ क्वेश्चन बाबू सॉल्व करने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट आप देख के बना सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होता डायरेक्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट सी एंड डायरेक्ट आंसर, जय माता दी ए बी सी। नाइन नंबर बाबू, टू बाबू, एट, थ्री बाबू, टू, फिर बाबू फोर बाबू थ्री, याद है कोफिशियंट है, कोफिशियंट है, कोफिशियंट है, और सिर्फ 125। टेन नंबर, अब दोनों लिखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में अरेंज करना, असेंडिंग भी लिखना है डिसेंडिंग भी लिखना, क्योंकि हम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों बताएं, तो लेजी नहीं छोड़ना नहीं बाबू, दोनों ऑर्डर लिखना है। जो जो होमवर्क में अभी रिस्का बाबू तैयार रहिए होमवर्क दिखाने के लिए, ठीक है ना? आप बहुत ही इधर थोड़ा लेजी हो रहे हो। ये थ्री है बाबू, ये टू है सर, बनाए हैं होमवर्क, बनाए तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं बाबू, आप तो खाली कह रहे हैं कि तैयार रहिए, है ना? टाइम नहीं ना मिल पाता है। अभी इस टाइप से क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना? आप लोग को पहले शुरू शुरू सर यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हम तो डर जाते थे, अब डर नहीं लगना चाहिए बाबू। इस तरह से टीचर को पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट डरे नहीं, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। पांच क्वेश्चन हो गया, अब बुक वाला भी बनाना है, अब फिजिक्स का जिसका छोटा है फिजिक्स वाला भी बनाना है। आप लोग लिखिए बाबू,